हिमलैंड्स में गड़बड़े कभी खत्म नहीं हो सकती है। मैं और हीरो ब्राइन पूरे हिमलैंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। तो यही चीजें मेरे दोस्त लोगों को पसंद नहीं है, वो सब लोग मुझे मारने की साजिशें करते रहते हैं। और मेरे पास मेरा खुद का एक बहुत बड़ा किंगडम भी है जो कि वो लोग हथियाना चाहते हैं। पिछली बार हम लोगों को गलती से मिल गई थी स्मार्टी भाई की टाइम मशीन, जिसको हमने अपने किंगडम के सीक्रेट चैम्बर में आराम से रख दिया है। और उसी के साथ मुझे पता लगा कि विजर्ड मेरे को जान से मारना चाहता है और वो हीरो ब्राइन का भी बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। विजर्ड मेरे को लिटरली जान से मारना चाहता है। तो कैसे ना कैसे करके मुझे पता लगा कि टाइम मशीन कहां पे बनती है। जब मैं वहां पे गया तो मेरे को वहां पे दिखते हैं एजियो भाई, वो भी अपने पता नहीं एक अलग ही प्राणी के साथ जिसका नाम नुबड़ा जी है। उसके साथ उन्होंने मेरे पे हमला करने की सोची, तभी वहां पे हीरो ब्राइन आ गया और उनकी बैंड बजा दी। अब देखते हैं इस रोमांचक कहानी में कितने ज्यादा बड़े ट्विस्ट आते हैं। हिमलैंड्स गड़बड़ों का एरिया, यहाँ मेरे को एक हफ्ता से ज्यादा हो चुका है। माइनक्राफ्ट के अंदर वो जो मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने विजर्ड को मजा चखाया था, तो उसको डाले हुए लगभग मेरे को एक हफ्ता हो चुका है। एंड यहाँ पे एक नई चीज हो रही है मेरे साथ, आई डोंट नो व्हाई, बट जब भी मैं हीरो ब्राइन को बुलाता हूँ अपनी साइड, हीरो ब्राइन गायब है। लुक, अगर मैं बोलू हीरो ब्राइन आ जा मेरे अंदर से, ये देखो मैं वेट कर सकता हूँ 10 सेकंड का 20 सेकंड का 20 सेकंड का, मैं यहाँ 7 दिन से वेट कर रहा हूँ, हीरो ब्राइन का बच्चा कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे पास। आई डोंट नो वाई, बट मैंने हीरो ब्राइन को पिछली बार, मेरे को याद है मैंने हीरो ब्राइन को एजियो भाई के पीछे छोड़ा था, एंड तभी से वो वापस ही नहीं आ रहे। बट तुम लोग एक बात सोचो, मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हीरो ब्राइन के साथ कुछ गलत सीन हो रहा हो। बट तुम एक बात सोचो, हीरो ब्राइन के साथ गलत कैसे हो सकता है भाई? हीरो ब्राइन सबसे ज्यादा पावरफुल है इस पूरे हिमलैंड्स में, कोई हीरो ब्राइन का ऐसे मतलब कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता हीरो ब्राइन का, बस अंटिल एंड अनलेस किसी को उसके हर्ट के बारे में ना बताओ, क्योंकि जो उसका एक हर्ट है जो कि मैं सेव करके आया हूं, वो तुम्हारा भाई ड्रीम बॉय को ही पता थी उसकी कमजोरी, जिसको मैं सेव करके आ चुका हूं। तो अभी तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि हीरो ब्राइन के साथ कुछ गलत हो। बट मेरे को लिटरली यार उसकी ना काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि देखो मैं दोबारा बोलूं हीरो ब्राइन आ जा मेरे अंदर से, नहीं आ रहा। पिछली बार जब भी मैं कह रहा था वो आ रहा था मेरे अंदर से, यार मैं क्या बताऊं तुम लोग को, ये पूरे के पूरे किंगडम में इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे हमारे दुश्मन जो मेरे दोस्त लोग थे खुद के, जिनसे मैं लड़ना खुद नहीं चाहता हूँ, वो लोग इस किंगडम को हथियाना चाहते हैं। इतना बड़ा खतरा, लाइक इवन मेरे को वो जान से भी मार सकते हैं ब्रो, इतना बड़ा खतरा हो रहा है अभी। और भाई इस टाइम हीरो ब्राइन गायब हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ठीक है भाई हीरो ब्राइन आ जाएगा, मेरे को उस पर पूरा भरोसा है। हीरो ब्राइन कहीं जाएगा? बट वैसे सोचने वाली बात ये है कि यार वो किसी से बात नहीं करता था पूरे के पूरे हिमलैंड्स में मेरे सिवाय, पर वो यार वापिस ही नहीं आया, 7 दिन हो गए, थोड़ी अजीब बात तो है। बट कोई नहीं, अभी मैं जाने वाला हूँ उस लाइब्रेरियन के पास। भाई उस बंदे के पास इतनी ज्यादा नॉलेज है ना, मतलब बस मैं क्या बताऊँ, वो मेरे को कुछ ना कुछ तो आइडिया बता ही देगा, क्योंकि उसी ने हीरो ब्राइन की कुछ अनोखी पावर्स को अनलॉक करवाया था, तो उसे पक्का कुछ ना कुछ तो पता होगा कि कैसे हीरो ब्राइन वापस आ सकता है, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं दूर हूं हीरो ब्राइन से, क्योंकि हीरो ब्राइन तो अभी मैंने डार्क हिमलैंड में भेजा था पिछली बार, जब वो एजियो भाई और वो उनका पता नहीं कौन सा एक नया पता नहीं क्या अजीब सा जीव आया, वो नुबड़ा, उसको पेलने के लिए मैंने डार्क हिमलैंड में छोड़ दिया था हीरो ब्राइन को। बट ऐसा तो नहीं है कि कहीं डायमेंशन टाइप कुछ चेंज हुआ एंड वो मेरे पास आ ही नहीं सकता है फिर? ऐसा थोड़ी होगा यार, जब मैं उसका हर्ट सेव करने गया था तो मैं कितनी दूर चला गया था, वहां से उसने मुझे टेलीपोर्ट कर लिया था जब मैं मरने वाला था। तो पक्का हीरो ब्राइन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी फटाफट से लाइब्रेरियन के पास चलते हैं, इधर ही कहीं गेड़िया मार रहा होगा वो, ये लाइब्रेरियन का बच्चा। एक तो इसको शौक बहुत ज्यादा है दारू पीने का, क्योंकि पिछली बार तुमने देखा था, ये देखो ये रहा इधर लाइब्रेरियन। ओ हेलो भाई, कैसा है तू? बढ़िया, दारू वारू पी रहा है मौज में यार। लाइब्रेरियन देख 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 भाई, इधर आ, पहले तो इधर आ, कोई मेरी बात ना सुन ले इधर, इस टाइम कोई है मेरी बात नहीं सुनना चाहिए ब्रो, इधर आ, कोने में। लाइब्रेरियन देख, तेरे को पता है ना कि तूने हीरो ब्राइन की कुछ पावर्स को अनलॉक करवाया था, अभी हीरो ब्राइन गायब हो चुका है, आई डोंट नो वाई। अरे तू डर रहा भाई, डरने की ही बात है। एक बात सोच, इधर पूरे किंगडम में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक हीरो ब्राइन था अपना प्लस पॉइंट, वो गायब हो चुका है। देख ब्रो मेरे को नहीं पता, मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ था। पिछली बार मैं डार्क हिमलैंड गया था, वहाँ पे एजियो भाई और मेरे कुछ दुश्मन लोग हैं जो कि मेरे दोस्त थे, उनके पीछे मैंने हीरो ब्राइन को छोड़ा एंड उसके बाद से वापिस ही नहीं आया। क्या भाई तू कुछ कॉन्टेक्ट करवा सकता है मेरा हीरो ब्राइन से? अरे यार भाई ऐसे थोड़ी होता है, लाइब्रेरियन तूने उसकी पावर्स अनलॉक करी थी, कुछ तो पता होगा तुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरे को पता है तेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। ये ले 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 ये ले ये ले ले ये ले, काफी है इतना भाई आखिरी बचा ले। मैं तेरे को इतने सारे डायमंड, यस नाइस,
कुछ तो करवा। तो ओके गाइस, अभी मेरी लाइब्रेरियन से पूरी बात हो चुकी है एंड इस लाइब्रेरियन ने मेरे को बताया है कि इसे कोई डायरेक्ट तो चीज पता नहीं है जिससे मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ अपने हीरो ब्राइन से, बट इसको एक ऐसी चीज पता है जिससे मैं पास्ट पता लगा सकता हूँ। इसको कुछ ऐसे लोग पता है जो कि बेसिकली ट्राइब है, वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे मैं पास्ट देख सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक झलक के लिए। अब देखो मान लो जैसे कि ये वाला जो एरिया है, जैसे कि ये घर है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, वो ये मेरे को बता रहा है कि वो कोई स्पाई ग्लास वगैरह बनाते हैं जिससे मैं जहां भी देखूंगा वहां के पास्ट का एक झलक मेरे को दिख जाए। अब जैसे कि मैं जाऊंगा डार्क हिमलैंड, वहां पे जाके उसी एरिया पे अगर मैं स्पाई ग्लास से देखूंगा तो मेरे को उसके पास उस एरिया के अंदर जो भी पास्ट में हुआ है वो मेरे को एक झलक दिख जाएगा। तो एक बात सोचो, जहां पे मैंने लास्ट टाइम पे हीरो ब्राइन को छोड़ा था, अगर मैं वहीं पे वो स्पाई ग्लास से देखूंगा तो मेरे को उस एरिया का भी पास्ट दिख जाएगा और मेरे को क्लियरली पता लग जाएगा कि हीरो ब्राइन के साथ पास्ट में क्या हुआ है। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मेरे काम आएगी हीरो ब्राइन को ढूंढने में, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जरूरी काम करके आना है। तो अपने घर में मौज कर, मैं एक छोटा सा काम निपटा के आ रहा हूं बस। ओके, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं उन वर्कर्स के पास। तुम लोग को याद होगा कि मैंने पिछली बार वर्कर्स को कुछ काम दिया था करने को, जो मैंने कहा था कि जब वो चीज बन जाएगी तो पूरे के पूरे किंगडम में एक अलग ही रौनक होगी, मतलब एक अलग ही टाइप से वो चमकेगा। तो आई होप, उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था तो 7 दिन तो हो चुके हैं, आई होप उन्होंने अभी तक कंप्लीट कर दिया हो। मैंने उन्हें बहुत मोटी रकम चुकाई थी गाइस, गोल्ड और डायमंड्स की भरमार दी थी। पर एक तो मैं हमेशा शेडर्स लगाना भूल जाता हूं, मैं क्या बताऊं गाइस, मैं आजकल मेरी याददाश्त ऐसी हो रही है एकदम, बस मैं क्या ही बताऊं मेरी याददाश्त के बारे में। एक तो मेरे दोस्त लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई, मैं बस क्या बताऊं यार, सर पे खतरे इतने। व्हाट, ये क्या है? आई व्हाट, एक सेकंड, क्या ये जो चीज मैं सोच रहा हूँ ये वही है? ये वो नल्ला विज़र्ड था क्या? एक सेकंड। ओ माय गॉड, भाई साहब, व्हाट द हेल मैन, ये क्या है कर रहे हैं मेरे किंगडम में? और ये बीच वाला पक्का विज़र्ड है, और ये दो लप्पू लोग कौन है? नल्ले, ये किसने बनाए? ओ हेलो, कौन है बे? आई थिंक वहां पे विज़र्ड होगा पक्का, मेरे को नो आइडिया यार, ये क्या है? यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है विज़र्ड का और साथ में हरी चटनी और लाल चटनी भी है। ये कौन है ये हरी चटनी और लाल चटनी? हैशटैग हरी चटनी लाल चटनी कौन है? मुझे नहीं पता कौन है ये लोग। किसी की हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि मेरे किंगडम के इधर वो ये चीजें बनाए? आई डोंट नो मैन, ये क्या है, मतलब ये क्या है, क्यों है ये? ये दिखाना क्या चाह रहा है ये विज़र्ड? ये पक्का विज़र्ड की करतूत है, आई एम 100% श्योर। वो बंदा बनता ना अपने आप में बहुत बड़ा मायावी बंदा, उसने अपनी ही ये मैजिक ट्रिक से कुछ ना कुछ कांड किया है पक्का, आई एम 100% श्योर। बेटा विज़र्ड भूल गया क्या, पिछली बार इतना गंदा बिटा था? अगर मेरे को सुन रहा है तो बाहर निकल नल्ले, तेरे को मैं बताता हूँ। ये पक्का सुन भी रहा है, ये पक्का है भी इधर। ओ हेलो विज़र्ड, सुनो, अभी सब लोग सुनो मेरी ओपन चैलेंज, मेरा जो ओपन चैलेंज अभी आने वाला है विज़र्ड के लिए। ओ हेलो विज़र्ड, मेरे को अगर सुन रहा है तो बाहर निकल, इस पूरे के पूरे जंगल में तो छुपके बैठा है, मुझे पता है तू छुपके बैठा है, बाहर निकल। देख ड्रीम बॉय आ गया, दम है तो बेटा ड्रीम बॉय से लड़, कोई नहीं आया। देख तेरा वो पापा हीरो ब्राइन है ना, वो भी नहीं है इधर, आजा मेरे को मारना इधर आ, आ हाथ तो लगा विज़र्ड नल्ले। ये देखो छुपके बैठा है बेटा, निकल भी नहीं रहा है, क्या सोच रहा है ये इसने बहुत अच्छी चीज करी है मेरे इधर। और ये कौन है ये विज़र्ड भाई? समोसे के साथ खा जाए कोई नहीं हरी चटनी और लाल चटनी को, मतलब यार किन किन को ले आता है भाई अपने साथ? मेरे को तो नहीं लगता कि विज़र्ड का बच्चा आज की डेट में यहाँ से बाहर निकल के आएगा। तो चल बेटा ड्रीम बॉय, आजा बेटे विज़र्ड, आज तेरी शामत आई है। किधर छुपके बैठा रहे विज़र्ड नल्ले? अभी मेरे को पक्का बता रही आसपास होगा, तो रुको, क्यों ना मैं थोड़ा छुपके जाऊं, मैं ऐसे एकदम सामने चौड़ा होके क्यों जा रहा हूं भाई? आसपास उसके चेले चपाटे हुए ना, तो वो मेरा भूत बनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। रुको मैं जाने वाला हूं पीछे से, थोड़ा सा बस उसे देखूं और फिर देखो उसका सीधा चैलेंज दूंगा मारने के लिए। आज तो तू भिड़ी ले विज़र्ड बेटे, ये ना बंदा पक्का यही ना यही कहीं होगा, आई एम 100% श्योर। यार इधर की साइड तो है नहीं ये, ये मॉडल्स यार नीचे से देखो ना, पूरे का पूरे बेस बना, ये लैडर्स, ओके इधर लैडर्स हैं, नाइस। आराम से चल ड्रीम बॉय, बिल्कुल आराम से यार, उसको ना आवाज चली जाएगी अगर ये घास वास तोड़ूंगा तो। मैं आराम से, ओए ओ ओ वर्कर, नीचे आ नीचे। अरे पार्कौर स्किल्स बाद में दिखाइयो अपने, तू नीचे आ रहे, ये देखो ये मरता हुआ नीचे आ रहा है, कमाल है। जल्दी 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 फास्ट, इधर आ, इधर 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 इधर। ये तूने बनाया है? ये अभी मर जाता बेचारा, ये तूने बनाया है क्यों? एक बात बता, इधर 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 बाहर, ये विज़र्ड से तूने मिला होगा? एक सेकंड, क्या पता है विज़र्ड से मिला हो?
आई डोंट नो, ये जो तीनों के तीनों मॉडल बनाए किसके कहने पे बनाया तूने? मैंने तेरे को ये बनाने के लिए कहा था भाई? भाई तू पागल है, मैंने तेरे को विजर्ड का स्टैचू बनाने को थोड़ी कहा था। और ये दो कौन है, हरी चटनी और लाल चटनी? भाई मैंने तेरे को कहा था कि तेरे को बनाना है ड्रीम बॉय, नीचे देख, नीचे देख, मैंने तेरे को कहा था कि तेरे को बनाना है ड्रीम बॉय और हीरो ब्राइन का स्टैचू, और तू ये बना के बैठे। किसने कहा तेरे को? जल्दी चुपचाप बता मेरे को, नहीं तो देख यहीं पे नंगा करके मारूंगा तेरे को। जल्दी बता, ये तो फटे हुए कपड़े तूने पहने हुए हैं ना, अभी इन कपड़ों को अच्छे से फाड़ दूंगा मैं। जल्दी बता मेरे को, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को चुपचाप से बता किसने किया है। वर्कर बचपना तेरा मैं अभी निकाल दूंगा सारा का सारा। ये किंगडम में किसने? एक सेकंड यार, मैं ऊपर का व्यू लेके आता हूँ, जरा वेट। भाई साहब ये ऊपर से देखो तुम लोग, ये रहा वो हरी चटनी लाल चटनी, और ये विज़र्ड इधर से कितनी दूर दूर तक इजीली दिखता है। आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई पहाड़ भी है आसपास, वो तो एक पेड़ है जो कि वो भी इससे छोटा ही है। ये क्या कमाल का स्टैचू बनाया वैसे इस वर्कर ने, पर यार ये इसने विज़र्ड का क्यों बनाया? आई डोंट नो मैन, ये इसने क्यों बनाया विज़र्ड का? चुपचाप से मुझे सच जानना है। देख देख देख, मैं तेरे को कुछ भी नहीं कहने वाला, अगर तूने झूठ बोला तो तुझे अभी मौत की सजा दे दूंगा मैं, मौत की सजा दूंगा, सोच ले तू एक बार। भागने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड है, और अगर इस स्वॉर्ड का हमला पड़ाना तो तू मरेगा, जहाँ है वहीं रुक जा, मैं कह रहा हूँ तेरे को जहाँ। ये नहीं मानने वाला वर्कर, देख ले मौत की सजा दूंगा मैं अगर तू अभी नहीं रुका तो, पक्का दूंगा गारंटेड। ये बंदा पिलेगा, ये बंदा पक्का मरेगा। बेटा जाएगा कहाँ, तेरा घर तो मेरे किंगडम में ही है ना, है तो तू वहीं कहीं। ये बंदा भाग रहा है, मेरे को पक्का शक हो चुका है अभी कि यही बंदा विजिट से मिला हुआ है। इधर आ, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मारूंगा अभी, क्योंकि मुझे इससे सारी चीजें उगलवानी है। अच्छा रुक रुक रुक, इधर 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 रुक 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 रुक, अच्छा नहीं मार रहा नहीं मार रहा, ये पकड़ ये पकड़, ये ले तेरे लिए चीज लाया हूँ एक। इधर गया, ये ले ले ले, ये पकड़ ये पकड़, नहीं मार रहा, ले इधर। मैंने तेरे को पैसे नहीं दिए थे क्या बनाने के लिए? सब कुछ दिया था, गोल्ड डायमंड, बट तू मेरे को इधर ना दोस्त, इधर वर्कर वर्कर, बस मेरे को इतना सा बता दे कि तेरे को ये बनाने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा था तेरे को ये बनाने के लिए न, अरे झूठ बोल, भाई झूठ बोल रहे तू, पागल है वर्कर मर। यार देखो मैं नहीं मार रहा, ओके डर मत, मेरे को पता है ये विज़र्ड ने तेरे को, विज़र्ड विज़र्ड का दोस्त है ना तू, विज़र्ड। अरे तो इनका दोस्त है क्या ये लाल चटनी और हरी चटनी का? मेरे को पता भी नहीं है कौन है, पर इनका दोस्त है तू? इनका है क्या? इनका भी नहीं है ये, तो मेरा दोस्त है तू, तो मेरा दोस्त है तो मेरा स्टैचू बनाना, इनका क्यों बना रहा है? मैंने तेरे को कहा था कि तेरे को मेरा और हीरो ब्रेन का स्टैचू बनाना है, पर तू तो यहाँ कुछ अलग ही बना रहा है। इधर इधर, तू तो अलग ही बना रहा है कुछ। आजा आजा, देख मेरे पीछे आजा, मैं तेरे को, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, आजा मैं तेरे को एक चीज दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद तेरे को अच्छे से पता लग जाएगा कि ये किसने बनाया किसने नहीं। ओके आई थिंक जो तेरा वो दिमाग का थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो रहा है ना, वो मैं ठीक कर दूंगा, चल मेरे साथ आजा। अरे डरने की बात नहीं है, भक्के आजा, फुल मौज है। मेरे को पता है कि तू पक्का भूल गया होगा, तेरे को नींद भी ना गई होगी, उसके बाद सपने सपने देख के तू भूल गया होगा, मेरे साथ चल। आ रहा है ना, आ रहा है, हाँ जल्दी आजा, ये ले एक और पकड़। मेरे को पक्का पता है दोस्त, तू किसी के साथ बात नहीं है, तू मेरा ही दोस्त है, लेकिन पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। जल्दी चल, जल्दी फटाफट आजा, जल्दी जल्दी चलते जाओ, पर ये मैं गारंटी दे रहा हूँ तू पक्का सच बताएगा, जल्दी आजा, चलो अंदर अंदर जाओ, अंदर एक मस्त चीज है, ये मैं तुम्हारे लिए मौज की चीज लाया हूँ। इधर देखो, ये जब गेट खुलेगा ना इसके अंदर चला जियो, इसमें नहीं उस वाले में आगे वाले में, हाँ उसके अंदर चला जियो, ठीक है? सेल टू, सेल टू, जब घुस जा, घुस गया। और बेटे तू अभी बता मेरे को, जेल के अंदर बंद होके कैसा लग रहा है? मेरे को चुपचाप से जल्दी सब कुछ सच बता वर्कर, नहीं तो तेरे को मैं यही के यही अंदर ही मार दूंगा। किधर दिखा? हाँ ये देखो कैसे पागल हो रहा है ये। ये वर्कर इस टाइम पे बिल्कुल ही पागल हो चुका है। यार ये बंदे सारे विज़र्ड से क्यों मिले हुए हैं, मेरे को नहीं आ रहा समझ। सबके सब ड्रीम बॉय को मारना चाहते हो क्या? यार ये वैसे इस पे मेरे को तरस आ रहा है, मैं सच बताऊं ना, वर्कर्स को मैं इस वर्कर को मैं ऐसे वहां से लाया और फिर। अच्छा सुन वर्कर, पागल मत हो, भारा भारा भारा, देख गेट तक आ जा, नहीं कह रहा कुछ। क्या वो तेरे को मैंने बनाने के लिए कहा था, वो विज़र्ड और उसका स्टैचू? क्या वो विज़र्ड? भाई तू बंद ही रह, तू अंदर ही रह, मैं जा रहा अंदर रह, मौज कर अंदर ही रह, मजे की जिंदगी बिता अंदर, चल निकल। भाई कमाल हो गया, अभी भी सच नहीं बता रहा। मैं क्यों कहूंगा इसको कि विज़र्ड और वो लाल हरी चटनी का स्टैचू बना, मैं तो जानता भी नहीं हूँ लाल हरी चटनी को, और विज़र्ड जो कि मेरा इतना बड़ा दुश्मन है उसका। यार पर इसको मैंने इसे बंद कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार, ये शरीफ बंदा है, वो बात अलग है, थोड़ा पैसे वैसे लेता है ये, पर शरीफ बंदा है ये। यार इसको मैं नहीं करना चाहता बंद, आखिर इंसानियत तो मेरे में भी है। नहीं यार इसको तो बंद नहीं करूंगा यार, ये मेरे काम आएगा कभी ना कभी, आई एम 100% श्योर। आजा बाहर निकल, आजा, हाँ चुपचाप यहीं खड़ा रहे, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़ा रहे। क्या वो स्टैचू मैंने बनाने के लिए कहा था?
अरे नहीं भाई नहीं, क्या करूं इसका, मारू के नहीं। तू क्या है तू भाई, ये क्या बंदा है ये। तुम लोग पिछले वाली उस वीडियो में जाके देखना, मैंने इसको कितना माल दिया था। बट मैंने मैंने तुम लोग से कहा था कि वो सरप्राइज रखना था मुझे, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था कि मैं अपना और हीरो ब्रांड का स्टैचू कह रहा हूँ। बट मैंने इसे बोल दिया था, और यहाँ पे विजर्ड और उसका स्टैचू बना। भाई यार तू पागल है यार। सुन ओए, तू एक काम कर, तू अपने घर जा, आराम से पूरी नींद ले, मैं तेरे से मिलूंगा बाद में, ठीक है। अभी मेरे को जाना भाई लाइब्रेरियन के पास, मुझे उससे कुछ मोटा ही काम है। ये तो पता नहीं क्या स्टैचू बना दिया इसने विजर्ड वगैरह का, यार पागल इंसान। अपने घर पहुंच और निकल, और ये ले तू मेरा दोस्त है तो इसलिए ये ले, इधर 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 ये पकड़, ये ले लेके जा, चला जा, चल निकल जा, अपने घर पहुंच। यहाँ पे बहुत ही अजीब टाइप की गड़बड़ हो गई है। ये मेरे को नहीं पता भाई, ये क्या है, ये क्या हुआ है मेरे साथ। वो देखो वो पीछे से चला गया अपने घर। ये मेरे साथ क्या होता रहता है ये भाई, इमलैंड्स में मेरा हीरो ब्राइन गायब है, स्टैचू अलग बन गया, पागल समझाएगा इन्होंने। तुम लोग एक बात सोचो, मैं पूरे का पूरा शक कर रहा हूँ इस वर्कर पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि विजर्ड ने कोई अपना जादू चलाया हो इसके ऊपर। देखो क्योंकि ये तो मुझे पता है ये काम पक्का विजर्ड का है, नहीं तो और कोई क्यों करेगा विजर्ड के लिए ऐसा काम। वो मेरे को दिखाना चाहता है कि मैं उससे नीचे हूं, पर वो तो सबको पता है विजर्ड को किसने कितना ज्यादा पेला था। तुम लोग बस मुझे ये बता दो कि पूरे के पूरे इमलैंड्स में सबसे ज्यादा विजर्ड को किसने पेला है। एक लोता ड्रीम बॉय, कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो 100% जितना भी मैं यकीन करवा सकता था कि मैं सही बंदा हूँ, वर्कर को पूरा करवा चुका हूँ। क्योंकि उसे मैंने कहा उम्र कैद दूंगा, मौत दूंगा, और कुछ भी नहीं दिया मैंने उसे, तो एक वो रिस्पेक्ट आ गई होगी उसके अंदर मेरे लिए। और मेरे को पूरा भरोसा है कि अभी तो मेरे से झूठ नहीं बोलेगा, पर वो मेरे को फिर भी कह रहा है कि मैंने उसे वो विजर्ड का स्टैचू बनाने के लिए बोला था। आई एम 100% श्योर कि विजर्ड ने उस पर कोई जादू कर रखा होगा, या पता नहीं क्या यार। अभी मैं जाने वाला हूँ लाइब्रेरियन के पास, बाकी तो मैं सारा का सारा जितना भी ये मैटर है ना वर्कर वाला ये सुलटाऊंगा बाद में। अभी चुपचाप से चलते हैं लाइब्रेरियन के पास, क्योंकि उसने जो मुझे ट्राइब्स के बारे में बताया था ना, जहाँ पे हम पास्ट वगैरह देख सकते हैं, वो स्पाई ग्लासेस लाता हूँ और हीरो ब्राइन का पता करते हैं। एक तो जो अपना लाइब्रेरियन है ना, ये बंदा पूरा का पूरा भाई नशे में, मतलब इसे मैं क्या कहूँ भाई, इसे दारू इतनी पसंद है। ये देखो यही कहीं मौज मार रहा होगा, पक्की बात है। यहाँ पे पता नहीं क्या भाई किंगडम में कभी यहाँ पे एक दारू की दुकान आ गई, मुझे पता भी नहीं है। वाओ ओए ओए नशे नशे, लाइब्रेरियन पीछे देख मेरे भाई, ये क्या 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 है इसका। अरे भाई इधर देख भाई, तेरे को पता है हमारी किंगडम के अंदर कितनी अजीब चीज हो रही है। भाई इधर बाहर 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 बाहर। अरे दोस्त बाहर आ जा, इसे मैं देता हूँ ना खाने का, ये ले यार तू। तेरे को पता है हमारे किंगडम के अंदर, तेरे को पता है भाई, अरे भाई ठीक है, तेरे को पता है हमारे किंगडम के अंदर तीन अलग अजीब से स्टैचू। तो तू किसी ऐसे को जानता है लाइक जो हरे रंग का और लाल रंग के कोई दो लड़के हैं, मेरे को नहीं पता वो कैसे हैं, वो विजर्ड के साथ घूमते हैं, उनका स्टैचू बना दिया वर्कर्स ने हमारे किंगडम के पीछे। आई डोंट नो व्हाई बट बना दिया। मैंने उन्हें कहा था कि मेरा और हीरो ब्राइन का स्टैचू बना। ब्रो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे पास एक बहुत ज्यादा तगड़ा आइडिया है। जो भी वो पास्ट वाला स्पाई ग्लास होगा जो वो ट्राइब्स के बंदे बना के देंगे मेरे को, उससे मैं ये तो पता लगा ही दूंगा कि हीरो ब्राइन को किसने और कहां हीरो ब्राइन के साथ क्या हुआ है। पर मैं जब स्टैचू के एरिया में जब जूम करके देखूंगा स्पाई ग्लासेस से, तो ये सोचो ना मेरे को वहां का भी तो पास्ट दिख जाएगा एक झलक, और मेरे को पता लग जाएगा, ये तो बेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो लाइब्रेरियन देख मेरे दोस्त, मेरे को जल्दी से रास्ता बता दे उस एरिया का। अब ये मत कहियो कि तुझे कुछ चाहिए मत। अरे दोस्त भाई किंग, भाई किंग हूं मैं यहां का, आई एम द किंग, मैं तेरे को मार सकता हूं फिर भी ले चल, ले ले पकड़ पकड़ पकड़, इतना काफी है, काफी है। हाँ जल्दी मेरे को रास्ता बता। तो ओके गाइस, अभी मेरे को लाइब्रेरियन ने वो रास्ता बता दिया है वो किधर के साइड जाना है मेरे को, लेकिन इसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया है, क्योंकि इसने मेरे को बताया कि वहाँ के जो लोग हैं उनको पहले से ही पता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। अरे क्या अजीब बात है, उनको पहले से कैसे पता होगा कि मैं आ रहा हूँ। उनको इसलिए पता होगा क्योंकि वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग जो मतलब मैजिक वगैरह करते हैं ना वो उनमें आते हैं, तभी तो वो ऐसा स्पाई ग्लास बना सकते हैं जो पास्ट देख सकता है। अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे ट्राइब में जाने वाला हूँ जो लोग पास्ट देख सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है लाइब्रेरियन मैं चलता हूँ, तेरे पे पूरा किंगडम छोड़ के जा रहा हूँ, और यहाँ के गार्ड्स वार्ड जितने आयरन गोलम है सब तेरी बात मानेंगे, सबको समझा रखा है मैंने। भाई क्या चोड़ की से दिखा रहा है, डायमंड की चोड़ दिखा रहा है, चोड़ दिखाएगा क्या, फिर मैं दिखाऊं डायमंड दिखाऊं क्या। ठीक है जल्दी से किंगडम संभाल पूरा का पूरा, मैं अभी जाता हूँ ट्राइब में। अभी मेरे को पता है गाइस मुझे काफी देर लगने वाली है क्योंकि वो एरिया बहुत ज्यादा दूर है, खाने पीने का फुल मेरे पे पूरा जुगाड़ है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बस मेरा मेन एक ये एम है कि मेरे को जल्दी से जल्दी पता लगाना है कि ये हीरो ब्राइन कहाँ रह गया। भाई ऐसा तो नहीं है कि हीरो ब्राइन ने गर्लफ्रेंड बना ली और हमें भूल गया यार, मतलब ऐसा ही होता है दोस्त लोग को तो भूल ही जाते हैं लोग। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो बेटा हीरो ब्राइन फिर तो देख लियो तू, तेरा भी सिस्टम फाड़ा। ओके नहीं नहीं हम हीरो ब्राइन का सिस्टम नहीं फाड़ सकते। ओके मैं एग्जैक्टली 769 ब्लॉक्स दूर आ चुका हूँ
एंड वो ब्लॉक्स बढ़ते रह रहे हैं क्योंकि मैं आगे आगे जाता रह रहा हूँ, जबकि मेरे को लाइब्रेरियन ने कहा था वो 869 ब्लॉक पे दिख जाएगा, बट आई डोंट नो ब्रो, मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा है वो विलेज। यार 800 ब्लॉक तो हो ही गए होंगे इजीली अभी तक, बस 69 ब्लॉक और, चुपचाप चल ड्रीम बॉय। मेरे को पता है इधर की ही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो विलेज आने वाला है, जो भी वो ट्राइब के बंदे हैं। लेट्स गो। मैंने कहा था ना देखो सामने ही है, एंड यहाँ पे रेडस्टोन क्यों लगा है? व्हाट? यहाँ पे रेडस्टोन के ब्लॉक्स, एक सेकंड, ये रेडस्टोन है, हाँ ब्लॉक्स लगे हुए हैं। व्हाट इज दिस मैन? वेट वेट विच विच? और इनको पता कैसे है कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? ये कौन है? ये बंदा को, एक सेकंड, ये क्या चीज है? ये इंसान है क्या? ओ इंसान है क्या? कौन है? व्हाट इज दिस मैन? ये बंदा मुझे स्पाई ग्लासेस से देख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गया। लेकिन ये ऐसे कैसे? ओ माय गॉड, वो देखो मेरे को कैसे देख रहा है, दिस इज कूल। पर ये मेरे को कुछ कहने के लिए आया नहीं, आई डोंट नो क्यू, बट ठीक है, ओके व्हाट इज, ओके मेरे को नहीं पता मेरे को उसके पास जाना चाहिए या नहीं। हाँ मैं शोर लेके नहीं जा रहा, मैं एप्पल लेके जाऊंगा। हाँ ओ ये तो कितना क्राउच कर, हेलो दोस्त। ये बंदा, अच्छा इसने मास्क पहना हुआ है, ओके। हाँ ये बंदे ट्राइब के लोग हैं, मैं कैसे भूल गया था, तो ये इनका कल्चर वल्चर होगा मास्क वगैरह पहनना। भाई ये ले दोस्ती का हाथ, ठीक है चलेगा दोस्ती का हाथ। ओ उसके पीछे देखो एक्स कैसे लिखा हुआ है, दिस इज कूल मैन। इसने एप्पल उसके अंदर, अबे एप्पल, भाई देख मानता हूं पर एप्पल पका के नहीं खाते भाई, उसके अंदर आलू पकता है, एप्पल नहीं, ठीक है ओके। तो ओके गाइस, अभी मेरी फाइनली इस ट्राइब वाले बंदे से बात हो चुकी है। तो इसने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और खतरनाक चीज मेरे को बताई है। इसने मुझे बताया कि इसको पहले से पता था मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, इसीलिए इसने यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाया और उसके अंदर देखो वेलकम भी लिखा हुआ है इसने। ये लोग भविष्यवाणी करते हैं एंड ये लोग थोड़ा पास्ट भी देख सकते हैं स्पाई ग्लास के थ्रू। जब मैंने इससे पूछा कि ये वही स्पाई ग्लास है, तो इसने कहा नहीं, इसने कहा कि ये एक लोता है और ये कोई पास्ट वास्ट नहीं देख सकता, ये इनके बहुत पूर्वजों का बनाया हुआ स्पाई ग्लास है। क्योंकि मैंने इससे कहा कि मुझे स्पाई ग्लासेस चाहिए, और इसने मुझे पता है क्या बताया, इसने कहा कि अगर तुम्हें स्पाई ग्लासेस चाहिए तो तुम्हें दूसरे विलेज में जाना पड़ेगा जो कि इसके दुश्मन है, क्योंकि स्पाई ग्लास को बनाने के लिए हमें कॉपर चाहिए और सिंपल सा एक एमेथिस्ट चाहिए। एमेथिस्ट तो इनके पास है, पर इनके पास कॉपर नहीं है और ये लोग कॉपर नहीं तोड़ सकते, पता नहीं क्यों ये लोग कॉपर तोड़ ही नहीं सकते हैं। और जो स्पाई ग्लास के अंदर कॉपर लगता है ना, वो मिलेगा मेरे को उसी विलेज में, किसी और कॉपर से वो स्पाई ग्लास नहीं बन सकता जिससे हम पास देख सकते हैं। और मैंने पूछा कि भाई इस विलेज के अंदर, मैं थोड़ा सा गेड़ी मार के आया, देखो इस विलेज के अंदर इसका जैसा कोई और बंदा है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ये देखो मैं थोड़ा सा आगे और घूम के आता हूँ, ये देखो दूर दूर तक इसके जैसा बंदा नहीं दिखेगा, बस ये नॉर्मल विलेजर दिखेंगे। तो इसने मुझे बताया कि जो इसका ट्राइब और एक जो दूसरा ट्राइब है जहां से मैं कॉपर लाने वाला हूं, उनके बीच में छिड़ी हुई है बहुत ज्यादा तगड़ी जंग, एंड उन लोगों ने इस ट्राइब के सारे बंदे मार दिए हैं क्योंकि ये लोग स्पाई ग्लासेस बनाते हैं और उन लोग के पास कॉपर है। तो अब भी मुझे कुछ भी करके उन लोगों का हंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ रात में निकलते हैं, और मुझे रात में जाके उन लोगों का हंट करना पड़ेगा और उनमें से किसी से कॉपर निकलवाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों वो कॉपर सिर्फ वही तोड़ सकते हैं वो ट्राइब वाले लोग जो दूसरे हैं, जो इनके दुश्मन है। तो मैं जाने वाला हूं उधर, जल्दी से रात होने का वेट करते हैं। अरे वो बंदा किधर गया? वो किधर गया भाई? भाई ये लाल जादूगर का बच्चा, वो रहा, सामने। भाई कोई जगह तो बता मेरे को रुकने के लिए। रुको यार, इतनी दूर से क्या ही सुनेगा, इसके पास जाके मेरे को बोलना पड़ेगा, लगता है बहरा ज्यादा ही है कुछ। ओके। अरे ओए मेरे को जगह तो बता भाई रुकने की। ये मेरे को कुछ कहना चाह रहा है क्या? वेट, स्पाई ग्लासेस से देखते हैं हम, ऐसा भी क्या है उधर? क्या है भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओए एक सेकंड, सामने तुम देख रहे हो कोपर और दिख रही है तुम लोग को, क्या ये वही वो विलेज है क्या उधर की साइड? क्योंकि वहां एक कोपर और लगी हुई है, वो भी हवा में अजीब सी, क्या ये वही है? ओ माय गॉड, ओके, वो देखो वहां पे क्या। अरे मेरे को अभी तो कॉपर दिखाता नहीं, आई एम श्योर यार मुझे कॉपर और दिखी थी, देखो वो रही। वाह बेटे, और वहां पे लैपिस लजूली के कुछ वो ब्लॉक, अरे पानी में लैपिस लजूली के कुछ ब्लॉक भी दिख रहा है मेरे को एक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड, वहां पे ब्लू, तुम रेड विलेजर हो क्या? लाइक ऐसे मैं बस तुम्हें नाम दे रहा हूँ, मतलब तुम रेड से रिलेट करते हो और वो लोग ब्लू से।
ओके काइंड ऑफ वियर्ड है बट ठीक है। बट अभी मेरे को तू बता यार मेरे को रुकना किधर है, क्योंकि मुझे अभी सोना है। ये इस पूरे के पूरे ट्राइब का एक अकेला लोता बंदा बचा है, क्योंकि उस ट्राइब के बंदों ने मार दिए इसके जितने दोस्त लोग थे। अरे इसे क्यों मार रहा है ये बंदा, मेरे को खुद ही दरिंदा सा लग रहा है। तो इसकी शक्ल देखो भाई, मेरे को इस पे पता नहीं क्यों यकीन कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई ओके, इधर रुक सकता हूँ। ओके नाइस भाई, मुंह पे गेट बंद कर देता है ये बदतमीज इंसान। तो ओके गाइस अभी पूरी रात हो चुकी है, ये देखो वहां पे तुम्हें चांद भी दिख जाएगा खिड़की से, यहां से चांद दिखता है। ये देखो वो रहा भाई, क्या मस्त ये मेरे को डरा क्यों रहा है, मतलब ये चाहता क्या है। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग दे रहा भाई तू मुझे, अजीब बात है पर ठीक है। साथ चलेगा ना मेरे उनको पेलने के लिए क्या? अबे अभी तो हां कर रहा था फिर मना कर रहा है। ओ हेलो, अरे भाई तो मैं अकेला जाऊं क्या? ये पता नहीं एक तो अपने टेलीस्कोप से पता नहीं कहां उधर इधर उधर उधर देखता ही रहता है बस 24 घंटे। भाई मेरे साथ चल जल्दी, मेरे को नहीं पता। अरे भाई अजीब इंसान है यार ये, मेरे साथ चल ना, तेरे को रखवाली करनी है यहाँ की। अरे भाई ठीक है कर कर कर, कोई ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर वाले बंदे तो नहीं है वो कि मेरे को पेल ले फिर। अरे भाई वो सुपर नेचुरल पावर वाले बंदे हैं। कोई नहीं भाई किंग हूँ, डरता थोड़ी हूँ, सिस्टम पार देंगे। चलो भाई तुम लोग साथ बस, तू मौज कर बेटे। ओके बाय बाय, अभी बताते हैं जितने भी ये ब्लू लैपिस लजुली वाले बंदे हैं ना, इनके ब्लू गैंग मैं बनाऊंगा। ये देखो भाई उधर की साइड वो वाला विलेज है, इधर की साइड ये वाला विलेज है, कितनी पास पास है और इनकी भिड़ी हुई है आपस में, अपने पड़ोसियों से भिड़ गए भाई, क्या बात है। अभी मैं देखता हूँ, मैं विलेज में तो आ चुका हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई हो, क्योंकि इसने मेरे को बताया था कि वो रात को निकलते हैं यहाँ पे सिर्फ कॉपर ओर को ले। वो निकला, एक बंदा निकला है। ओके मेरे को इसी को हंट करना है ना। आजा आजा आजा, ये देखो निकल रहा है भाई। मैं भी क्या ही मतलब, मेरे मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं मैं सच बताऊं तो। इस बंदे का हंट करने जाना है, दबे पांव आजा आजा। और उसने मेरे को कहा था यार इनसे कोपर निकलवाना है, पर मैं कोपर तोड़ भी तो सकता हूं खुद, मेरे को कोपर दिखे तो। यहीं कहीं पहाड़ों पे, मतलब पहाड़ के कह रहा हूं पेड़ों पे वो कोपर लगा रखा था उन्होंने। ओए इसने देखा तो नहीं, मेरे को नहीं लगता इसने देख ली। बेटा तू खत्म, नाइस। पर इसने कुछ भी ड्रॉप नहीं करा। व्हाट आर यू सीरियस? अच्छा तभी उसने लाल वाले ने मेरे को कहा था कि उसे निकलवाना पड़ेगा कोपर और को, हमें उनसे निकलवाना पड़ेगा। ऐसा कौन ही करने वाला है भाई, भाई ऐसा कौन करेगा? मतलब मैं इनसे कहूं अब एक और भाई 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 सुन मैं तेरे को मारूंगा नहीं, मेरे को कोपर और निकाल के देना। अरे ये नहीं मान रहा, रुको मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। इनकी कोपर और है किधर की साइड, मेरे को तो ये भी नहीं पता यार। ओए एक कोपर और, ये रही आजा 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 आजा। ओए ये टूट नहीं रही, अरे तेरी भैंस की आंख, मर गया यार। इसे मारना नहीं चाहिए था मेरे को, बट अब मैं क्या करूं। देखो एक कोपर और ये रही, इसे तोड़ता हूं। अरे टूट जा भाई, अनब्रेकिंग है क्या ये? अनब्रेकेबल कोपर और, ये नहीं टूट सकती भाई, ये टूट नहीं रही है मेरे से, आई डोंट नो व्हाई यार। ओए आवाज आई मेरे को, अरे भाई ये बंदे, हाँ जा रहा हूँ। ये बंदा किधर गया? अरे इससे तो टूट रही है कोपर और, ये क्या है? इससे कोपर और टूट रही है, मेरे से नहीं टूट रही। और अगर मैं इसे मारू तो? इधर आ बेटा, वैसे भी तुम लोग का मैं हंटी करने आया हूं, मेरे को कोपर और दो। किधर जाएगा बेटे, बच के कोपर और दे। नहीं करके गया ड्रॉप, कुछ ड्रॉप नहीं हुआ इधर। भाई ये क्या चल रहा है भाई, भाई कुछ तो ड्रॉप करके जाता है यार। भाई यार ये क्या अजीब जगह है यार, ये कोपर और मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, ये देखो ये। अरे भाई कोपर और तोड़ के देना। अरे नहीं ये वाली देना, मैं ले लूंगा मैं। ओए आ गई मेरे पे आ गई। निकल। थैंक यू भाई, ये ले तू ले नशेड़ी, पिल गया। दिस इज कूल मैन, देख रहे तुम लोग मेरे पास 14 रो कोपर आ चुकी है, ये कितना ज्यादा क्रेजी था भाई। और निकलो ना बेटे, तुम्हारा सिस्टम पार दे ड्रीम बॉय ने। भाई उस बंदे को क्या भोंदू बनाया ना मैंने, मेरी हंसी छूट रही है यार। भाई एक और आ गया यार, तुम क्या लड़ोगे भाई, मार मेरे को। ओ ये मैं तो डर गया। टॉर्च प्लेस कर रहा है भाई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा लाल वाले इनसे पिटते कैसे हैं। ये देखो भाई मेरा आर्मर देख रहे हो तुम लोग, 25 का आर्मर है। मार दे। ओहो डैमेज, लॉट्स ऑफ डैमेज ब्रो।
ये लेना। ऐसे देखते देखते भाई मैं तो इनका पूरा का पूरा ना ट्राई भी खत्म कर दूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। आपस में भिड़ो भिड़ो, मेरे को तो भाई मेरा स्पाई ग्लास चाहिए बस। पोपर और मिल चुकी है, अब बस मेरे को एंड एक चीज चाहिए, एंड की मुझे एक चीज चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरा स्पाई ग्लासेस, और बस मेरा काम तो हो गया फिर। ये तो नाइस हो जाएगा मेरे भाई। पर वो डायरेक्शन क्या थी वो लाल वाले विलेज की, मैं भूल गया, रुको यार जरा ढूंढता हूँ। पर तुम लोग एक बात सोचो, ट्राइब के लोग कितने ज्यादा कमजोर है मेरे भाई, कितने ज्यादा कमजोर। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि मेरे सिर्फ दो दो हिट के अंदर ये बंदे लुढ़क जाए। ये कौन है, ये दिखने में कुछ बुढ़ा सा नहीं लग रहा। तुम लोग सोचो मतलब इनके ट्राइब का ये कोई बूढ़ा बंदा है। आई डोंट थिंक यार कि मेरे को इसे मारना चाहिए, बट अगर ये मेरे पे हाथ उठाएगा तो मैं क्या करूंगा, और मेरे पे ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि विजर्ड भी तो बुढ़ा ही है। पर वो देख रहो, पर ये क्राउच कर रहा है मेरे सामने। अगर इसने और क्राउच करा ना तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब मेरे से कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है। आई डोंट नो, ये क्राउच करके बैठा ही है बंदा। अगर ओके ओके ओके, आई थिंक ये पता नहीं कुछ कहना चाहता है, ये फाइट के मूड में नहीं है। हाँ सुन लूंगा, बट मैं अगर फाइट के लिए आया तो मैं मार भी दूंगा सच में। नीचे आजा भाई, नीचे नीचे नीचे, अगर कुछ बात करनी है तो और फाइट करनी है तो मेरी स्वॉर्ड रेडी है। ओके वो पानी के अंदर जंप। ओके गाइस, तो इस बंदे ने मेरे को कुछ अलग ही चीज बताई है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। ड्रीम बॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, ड्रीम बॉय को मारने की कोशिश करी जा रही थी, बट मैं इस पे यकीन क्यों करूं। पहले तू मेरे को बता, तेरे पे यकीन क्यों करूं मैं, तेरे पे यकीन क्यों करूं। तूने किया तेरे फूल पत्ते से मैं क्यों मान लूं, मेरे को प्रूफ चाहिए। पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ किसने मेरे को बताया क्या है। यहीं पे खड़ा रहियो, आ रहा हूँ, यहीं पे खड़ा रहियो भाई, जाइयो मत कहीं। गाइस इस बंदे ने मेरे को बताया है कि जो रेड ट्राइब है ना मेन दुश्मन वो है, मतलब हाँ एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दुश्मन ही है, पर इसने बताया कि विलन वो है पूरी कहानी में। वो लोग आपस में लड़ लड़ के मर चुके हैं, मतलब होता ना कि आप खुद के लोग एक दूसरे को मारते हैं, वो हो चुका है। एंड अभी उनके पास कोई भी पावर्स नहीं है, जबकि इस ट्राइब में जितने ही बंदे थे इनके पास पावर थी कॉपर और लेने की, एंड पास्ट देखने वाले स्पाई ग्लास को बनाने की। एंड इनके पास एक ही एमेथिस्ट था जो कि इनके पूर्वजों ने बनाया था, वो एमेथिस्ट से ही पास्ट देखने वाला स्पाई ग्लास बन सकता है, और वो रेड ट्राइब वाले चुरा के जा चुके हैं। अब मैं क्या बताऊं, मतलब दोनों के पूर्वज दोनों का ये मेरे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं भाई ये लोग, मेरे को नहीं पता। पर मेरे को तो अभी कुछ नहीं पता दुश्मन कौन है, मतलब सही कौन है गलत कौन है। अगर ये लोग सही है ना तो मतलब वो लोग मेरा फायदा उठाना चाह रहे हैं, रेड वाले। वो मेरे से पक्का कॉपर और मंगवाते, मेरे से लेके मेरे को स्पाई ग्लास बना के भी नहीं देते। भाई तू मुझे सिर्फ इतना समझा दे कि तेरे पे यकीन क्यों करना चाहिए मुझे, सिर्फ ये एक छोटी सी बात समझा। उसके हाथ में स्पाई ग्लास है। अरे तू भी भाई, वो रेड वाले भी ऐसे ही देख रहे थे, इसने मुझे दिया। ओके ये किधर है स्पाई, पास्ट स्पाई ग्लास। ओके इसके पे पास्ट स्पाई ग्लास लिखा था, जबकि वो जो रेड वाले ने मुझे स्पाई ग्लास दिया था उस पे नहीं लिखा हुआ था कोई भी पास्ट वगैरह। व्हाट द हेल मैन, तुम लोग रियल हो? एक सेकेंड, मैं कैसे मान लू, मैं तेरा स्पाई ग्लास टेस्ट करने वाला हूँ, और अगर ये चीज हुई ना मेरे को पास्ट दिखा, बट मैं किधर का, मैं उधर की साइड का देखने वाला हूँ। देखो वहां मैंने एक विलेजर को पेला था, इधर ये पंपकिन के इधर मैंने एक विलेजर को पेला था, मैं यहाँ पे पास्ट देखने वाला हूँ। सो ओके 1 2 3 नो फेस, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस, ये रियल है। ओके मेरे को नहीं पता था ये अपने आप बंद हुआ, मैंने इसको बंद नहीं करा। ओए ओ हेलो विलेजर, ये अपने आप बंद हो गया स्पाई ग्लास। तो ओके गाइस, अभी इस बंदे से मेरी पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है, एंड इसने मेरे को बताया है कि ये जो स्पाई ग्लास है ये सिर्फ 3 बार तुम्हें पास दिखा सकता है, जिसमें से 2 बार ये पहले यूज कर चुका है, एंड जो 1 बार है वो मैंने कर लिया है अभी। एंड इनके पास भी खुद अभी कोई स्पाई ग्लास नहीं है, तो अभी मेरे को एमेथिस्ट लाना पड़ेगा उन रेड वालों को मार के, और ये तब मेरे को पास्ट वाला स्पाई ग्लास दे सकता है। और यहाँ पे इसने मेरे को एक बहुत ही अजीब सी मतलब भविष्यवाणी भी बता दी है। इसने कहा है कि दूर से आएगा एक बंदा जो कि सारे सुपर नेचुरल पावर्स वाले लोगों को जान से मार देगा। पता नहीं क्यों इसने कहा मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, एंड मेरे को तू जल्दी से लाके एमेथिस्ट दे दे, नहीं तो उससे पहले मैं लुढ़क जाऊंगा। पता नहीं क्यों भाई, कौन मारने वाला है तेरे को, ये मेरे को पता नहीं क्यों हर बार यही कहानी सुना रहा है। दूर से आएगा एक बंदा जो कि सारे सुपर नेचुरल पावर वालों को मारेगा। भाई तेरे को मार कौन रहा है, तू मेरे साथ रह ना। नहीं मैं नहीं मारने दूंगा किसी को, तू मेरे साथ रह दोस्त, मैं देखता हूँ तुझे कौन मारेगा। तू इस विलेज में रुक अपने घर में, इससे ज्यादा सुरक्षित तो और होगा ही कहां। मैं जाता हूँ और लाल वाले को चटका के आता हूँ, और उससे पूरा एमेथिस्ट लेके आऊंगा। तू इधर बैठ, इधर जल्दी बैठ अपने घर में, इधर इधर मैं
कवरिंग और करके जाऊंगा तेरे घर की, कौन मारेगा रे तेरे को, अंदर जा, जा जा अंदर जा, मैं आता हूँ, बस 5 मिनट लगेगा मुझे उसे पेलने में और मैं आता हूँ। ये लाल वाली की मैं ऐसी तैसी बजा के आता हूँ, वेट, ये लो भाई, ये कर दिया बंद, कौन ही तुम्हें मारेगा, वो एक खिड़की से झांकना नहीं है बिल्कुल भी, बंद, इधर खिड़की बंद, झांकियो मत, कौन मारेगा रे तेरे को। पर गाइस मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इसके ट्राइब के बंदे मार दिए और ये भी एक अकेला बचा और ये भी कह रहा है कि मैं भी मर जाऊं, मतलब क्या अजीब बात कर रहा है ये। अभी ये जो लाल वाले टमाटर लोग है ना, इनका भरता बनाऊंगा मैं, आ जा बेटे, मेरे को पागल बनाता है ये, वो रहा सामने, ये मेरे को बुला रहा है, इसको लग रहा है कि अभी तक मेरे को सच पता नहीं चला है, इसको लग रहा होगा मैं कोपर लेके आ गया हूँ, आ जा बेटे, कोपर तो वैसे मैं लेके आ चुका हूँ पर आज तेरे को नहीं, तेरे से एमेथिस्ट लेके जाऊंगा, निकल बेटे, तेरी बैंड बजाऊं मैं, आ जा आ जा आ जा, आ बेटे चुपचाप से एमेथिस्ट निकाल, एमेथिस्ट निकाल बेटे, सारा का सारा सच पता लगा के आ चुका हूं मैं। ओके, इसके पास कितनी पावर है भाई, भाई साहब तुमने देखा इधर, ये एकदम से मेरे 3 से 4 हर्ट ले गया था भाई, 25 का और मेरे 25 का, बेटा किंग नहीं डरता, ड्रीम बॉय नहीं डरता किसी से, आना तू आना आना, क्या हुआ बैंड बजी तेरे, ओके ओके ओके, मरना नहीं है ड्रीम बॉय, बस इसकी बैंड, भैंस की आंख, भैंस की आंख,